श्री राघवेंद्राय नमः। बड़ी अजीब स्थिति बन गई है बिहार के राजनीतिक परिवेश की। जगतानंद सिंह कहते हैं, जो आरजेडी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को अगर आना है तो आरजेडी में आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल के नहीं आवें। हम उनको अब मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, हम अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो आरजेडी के चीफ तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को हमारी सवारी करनी पड़ेगी, हमें ढोना होगा। हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ढोने की स्थिति में नहीं। इधर बिहार के राजनीतिक परिवेश में अब नीतीश जी के क्या ऐसे दिन आ गए कि वो आरजेडी में जा कर के तेजस्वी यादव की चिरौरी करें और तेजस्वी यादव उनके राजनीतिक वर्चस्व की बात न सुन करके उनको सिर्फ एक विधायक बना करके अपने पार्टी में रखे? क्या जगतानंद सिंह का ये कहना वाजिब है? हालात पर फिर से नज़र रखिए। अब पप्पू यादव कहते हैं कि साहब, बिहार में जो आरजेडी है उसका तो बीजेपी से पैक्ट हो चुका है, यही वजह है कि अब इन पर सीबीआई या चाहे ईडी के रेड नहीं पड़ते हैं। देखिए, इधर आरजेडी बीजेपी से मिलने की बात हो रही है, उधर जगता बाबू कहते हैं अगर नीतीश को आना है तो एज ए मेंबर आवें, हमारे शरण में आ जाएं। क्या ये नीतीश जी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं है? विकास पुरुष नीतीश कुमार के हालात ऐसे बन क्यों गए? आरसीपी सिंह को जिस तरह से श्रीमान नीतीश कुमार ने दरकिनार कर दिया, उनको राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया, आज आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए महान सरदर्द बने हुए हैं। वो कहते हैं कि वो तो लखीसराय का उनका जन्म है और मेरा जन्म नालंदा का है, सही कुर्मी मैं हूँ और मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। ये बीजेपी के साथ वाली बात तो कहते नहीं हैं, लेकिन ये बात मुँह से कहे हैं कि नालंदा में श्रीमान नीतीश कुमार का जन्म नहीं हुआ है, जन्मभूमि हमारी है। फिर नेतागिरी श्रीमान नीतीश कुमार की क्यों होगी? कहने का मतलब ये है, अब राजनीतिक भंवर में पड़ती जा रही है बिहार की राजनीति। अब श्रीमान नीतीश कुमार जो कभी श्रीमान नरेंद्र मोदी से इतने चिढ़े हुए थे कि भोज का निमंत्रण देकर के वो पीछे लौट गए, कह रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री के मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। अब लीजिए, अब तो वो 8 साल से है प्रधानमंत्री। देश की सोच के बारे में, हमारे समाज में इस प्रकार की गलतफहमियां क्यों हो जाती हैं? अब बिहार की राजनीति कौन सा करवट लेगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल स्थिति है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि श्रीमान नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाली है। ये बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में अब नहीं रह गए, बल्कि बीजेपी इन पर दबाव बनाने की स्थिति में आ गई है। अब दो ही राजनीतिक दल रहेंगे, एक आरजेडी रहेगा राष्ट्रीय जनता दल,
हेडेड बाय श्रीमान तेजस्वी यादव और दूसरा होगा बीजेपी की। और बीजेपी में ही श्रीमान रामविलास पासवान के बेटे श्रीमान चिराग पासवान आ जाएंगे, आरसीपी सिंह आ जाएंगे और माझी साहब आ जाएंगे। ये एक अलायंस होगा। दूसरा अलायंस होगा आरजेडी और कांग्रेस का। नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अब दूर तक नज़र नहीं आता है।